आज हिंदुस्तान की तारीख में हैवानियत को मात कर देने वाला एक ऐसा दर्दनाक वाकया उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ, जो 130 करोड़ की जनता का सर शर्म से झुका दिया। पिछले 15 दिन पहले एक दलित की बेटी का बलात्कार होता है और उसके साथ उसको बजाय सुरक्षा देने के, उसको ट्रीटमेंट करने के, उसके मदद करने के बजाय सरकार अपने कान में तेल डालकर सोती रही। 14 दिन के बाद उस बच्ची की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद जब देश के लोग जागते हैं, सोशल मीडिया पर हंगामा होता है, तब उसकी डेड बॉडी उसके गांव भेजी जाती है और उसके बाद की जो शर्मनाक घटना हुई, प्रदेश की सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि इस देश के महामहिम जो इस देश के राष्ट्रपति हैं, अगर उनमें नैतिकता है तो उन्हें चाहिए कि तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करें और उसमें जितने भी अधिकारी शामिल थे उन्हें जेल के सीक्षों में भेजना चाहिए। एक तो उसके परिवार पर इतना बड़ी आफत और पहाड़ टूटा कि उसकी बेटी को कहीं का लोगों ने नहीं छोड़ा और जिस दरिंदगी का परिचय दिया उससे हैवानियत शर्मसार हो गई। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उसे एक अच्छा सम्मान देने के बजाय राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस और उसके प्रशासनिक अधिकारियों ने रात के अंधेरे में उसके माता पिता को, परिवार के लोगों को उनके घरों में कैद करके और बाहर ले जा करके जिस निर्ममता से उसकी बॉडी को जला दिया गया और सबूत मिटाने का काम किया, यह हिंदुस्तान की तारीख में कलंक है। ऐसी प्रदेश की सरकारों को, केंद्र सरकार को चाहिए और केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं गवर्नर उनको चाहिए और राष्ट्रपति को चाहिए कि वो भारत के संविधान की रक्षा करें, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया है इस देश में कि हम हिंदुस्तान के संविधान को बचाएंगे और उनकी मर्यादा जो है उसकी उन्होंने लांघा है और जिन अधिकारियों ने किया उनको तो सजा मिले ही, लेकिन राज्य सरकार अगर अपनी हठ धर्मिता से नहीं हटती तो उसे चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय, आपका जमीर जागना चाहिए और आप उसे सरकार को बर्खास्त कर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाएं और लोगों के अंदर जो अविश्वास पैदा हो गया है उसे विश्वास लाने के लिए एक कार्रवाई तुरंत करें। शर्म की बात है कि वो दलित समाज जो बरसहा बरस शोषित होता रहा है, जब उसका थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और आज प्रशासनिक अधिकारी बने, आज कहीं रिजर्वेशन के माध्यम से आए तो उनके घरों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है। ये शर्मनाक घटना के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सरकार उन्हें जेल के पीछे भेजे और फास्ट ट्रैक अदालत चलाएं या जो भी अदालत उनको चलानी हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार किए गए मुजरिमों की जो सजा तय है उसे उन्हें तत्काल देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों का खून खौल रहा है। अगर कोई अप्रिय घटना हुई तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? देश को अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जमीर को झझोड़िए और बाहर आइए और आकर के जो है सरकार पर कार्रवाई करिए। मैं महामहिम के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से निवेदन करता हूं कि आपको तो अधिकार है, असीमित अधिकार है, किसी भी चीज को आप संज्ञान ले सकते हैं, आपको संज्ञान लेकर के इस मामले को देखना चाहिए और देश की जो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसके ढांचे को टूटने से पहले आपको बचाने की जवाबदारी है, क्योंकि आपने संविधान को लेकर, संविधान पर हाथ रखकर आपने देश के सामने कसम खाई है कि हम इसका जो मूल रूप है उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो ये देश के लिए तो दुख धक्कादायक है, समाज के लिए भी बुरा है, क्योंकि अगर समाज टूट गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपको संज्ञान लेकर इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।